अभी है ना तेरे लिए है एक बैड न्यूज। मेरे लिए बैड न्यूज क्या? हाँ, अभी तू मेरे को बैठने दे आराम से, पानी पीने दे, बाद में मैं तेरे को बताता बैड न्यूज क्या है। बैड न्यूज? ठीक है रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पापा पानी, और अब बोलो बैड न्यूज क्या है। सुबह कितने क्यूट लग रहा है ना, देखो बताओ आप ही कमेंट में। और मेरा मुंह देखो कैसे सूज चुका है, मम्मी देखो कितनी क्यूट लग रही है। अरे वाह देखो स्कूल बस जा रही है, पता नहीं हमारी स्कूल कब चालू होगी। बस सुबह से मॉर्निंग वॉकिंग के लिए आके है ना, बहुत फ्रेश लगता है, पूरा दिन फ्रेश जाता है, और अच्छा भी लगता है ऐसे आने के लिए, है ना मम्मा? हाँ, अच्छा लगता है। ये देखो इसको। बाय। क्या मेरा मोबाइल देखो मम्मा और सोनल कितना स्लोली स्लोली चल के आ रहे हैं। हो गया, चलो फिर घर पे। हाँ चलो। तो अभी मैं आ गई हूँ जॉगिंग करके घर पे। तो घर पे आने के बाद में ना मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी विद क्रीम। वाह मम्मी देखो टीवी में देख रही और कितना परफेक्ट रह रही है। मम्मा ये लो। चीयर्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैंने मॉर्निंग वॉक कर लिया, सब कुछ कर लिया तो हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी पापा उठने का टाइम हो चुका है, और पापा उठने के बाद में मुझे एकदम तगड़ी वाली एक्सरसाइज कराते हैं। पापा चलो आई एम रेडी। पापा आपको सुबह मैंने उठाया था मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप उठे ही नहीं। अरे अभी कल से जाएंगे, चलो। अच्छा ठीक है, रुको तो बंद तो कर दे, तेरे माँ के पास दे कैमरा। मम्मा और लटकना और स्विमिंग। अरे तू पकड़ उसको, पकड़ के मैं पकड़ के रखने वाला है ना, पकड़ इतनी आसान नहीं है यार मेरी लाइफ। पूरे दिन में अगर मैं एक फटका ना खा लूँ ना, तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता है। आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा पापा मेरे को वर्कआउट कराते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा था कि पापा मेरे को फटका भी मारते, क्योंकि यार वो एडिटिंग में है ना मैं कट कर देती थी, लेकिन इस बार आप भी देखो पापा कैसे वर्कआउट कराते हैं मुझे। आप सब तो बोलते रहते हो ना कि आपके पापा बहुत स्वीट है, क्यूट है, देखो बापू से तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अरे रुको जरा सबर करो, अभी तो पूरे दिन भर क्या क्या होता है वो भी देखना बाकी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। तो हो गया मेरा वर्कआउट, अभी मैं जाके है ना नहा के आ जाती हूँ। तो हे फ्रेंड्स, अगर आप भी कमाना चाहते हो डेली 1-2 हज़ार रुपये, तो मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक ट्रिक। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, उस पे लिंक पे क्लिक करके आपको है ना मंथली मॉल ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड होने के बाद में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के, वेरिफिकेशन कोड और पासवर्ड डाल के, और मेरा रिकमेंडेशन कोड डालना ना भूले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिचार्ज कर लेना है, जैसे कि 100 रुपीज, 300 रुपीज, 500 रुपीज, या फिर 1000, या फिर आपके मन से आपको जो रिचार्ज करना है आप कर सकते हो। जैसे ही आप 100 रुपीज का रिचार्ज करते हो, आपको
138 रुपीस का बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कलर प्रेडिक्शन का गेम मिल जाएगा, कलर प्रेडिक्ट करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 100 रुपीस का रिचार्ज कर लेती हूँ, आप अपने UPI से भी रिचार्ज कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ पे रेफर लिंक आपको मिल जाएगी और आपके फ्रेंड के रिचार्ज के बाद आपको कमीशन भी मिलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट इन्वाइट करोगे तो आपको 138 मिलेगा, सेकंड इन्वाइट पे आपको 276 मिलेगा और अगर आप 5 इन्वाइट करते हो आपको 690 मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये कमीशन 3 लेवल तक आपको मिलेगा, यानी कि आपके फ्रेंड ने अगर उसके फ्रेंड को रेफर किया तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा और अगर उनके फ्रेंड भी आगे रेफर करते हैं तो उनका कमीशन भी आपको मिलेगा। और इसका मिनिमम विड्रॉल है 100 रुपीस और इसका विड्रॉल भी है ना बहुत इजी, आप अपने UPI या फिर बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। इसमें डेली 4 टाइम फोरकास्ट होता है तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और अर्न कर लेना। अरे पापा, मैं आप दोनों की शांति भंग करने के लिए मैं 1 घंटा घर में नहीं थी तो आप दोनों ने मुझे मिस किया ना। हाँ हाँ, शांत हो गया होगा घर 1 घंटे के लिए। तू आगे तू घर में नहीं रहती ना तो हमको कैसे तो ऐसा लगता कि कोई है नहीं घर में। कुछ तो बोलो पापा। कुछ ऐसा मेकअप देख के ये ऐसा लग रहा कि ये एशियन पेंट्स पूरा ऐसा पेंट मार दिया मुझे सीधे। वो होली में कलर नहीं होता क्या, जो सिल्वर कलर नहीं क्या, सिल्वर कलर के होके घूमते वैसा ये व्हाइट कलर ऐसा हुआ। अब 4 दिन निकले होने के बाद भी मैंने वैसे मेकअप करना चाहिए था शादी में। अगर तूने शादी में ऐसा मेकअप किया होता कोर्ट से देखो मैं वापस भेज दिया होता। मैं बोल जाता जज साहब इसको बोलो पहले मुंह धो के। तो अभी बज रहा है सुबह के 11 और पापा को है ना रोज़ मैं ही खाना परोसती हूँ। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना इसलिए पापा रोज़ 11 बजे ही खाना खाते हैं, नहीं तो अगर काम चल रहा होता है उनका, उनको सवेरे जाना पड़ता है जल्दी, तो है ना वो 8 बजे ही खाना खा लेते हैं। वो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते, सुबह जल्दी खाना खा लेते और फिर डायरेक्ट रात को ही खाना खा लेते हैं। पहले मैं लाइव स्ट्रीम कर लूँ उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। अभी मेरी लाइव स्ट्रीम और अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो मैं ना 6:30 बजे तक है ना अपनी वीडियोस की एडिटिंग करते बैठती हूँ, क्योंकि ये टाइम पे पापा भी घर पे नहीं होते हैं ना। तो जैसे ही पापा आ जाते हैं तो मेरा छोटा भाई और पापा दोनों बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे, तो फिर मुझे है ना कुछ एडिटिंग वगैरह करने को ही नहीं होता है, तो इसलिए ये टाइम तक है ना मैं एडिटिंग करती हूँ। तो मैंने ना कुछ खाया नहीं था ना इसलिए मुझे भूख लग गई, तो मैं ना ये बोलमिटा का दूध 1 गिलास पी लेती हूँ। तो देखो अभी बज रहे हैं 6:00 और मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी टेरेस पे थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं वार्म अप से स्टार्ट करती हूँ, नॉर्मली करूँगी पहले फिर बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं ना रोज करती हूँ, रोज मम्मा और मैं आते हैं शाम को पापा जाने के बाद। तो हो गई है अभी मेरी शूटिंग, रील्स वगैरह फोटोज भी निकाल लिए मैंने और
और वार्म अप भी हो चुका है, आपने देखा है। तो चलो अभी हम चलते हैं नीचे और मैं ना जूस पीऊंगी। देखा ये सब है ना, मुझे मम्मा ही बताती है कि पुराने हीरोइंस का देखा कर कैसे बनाते हो, उनके लिरिक्स, उनके एक्सप्रेशन। तो मम्मा मैं थोड़ा थोड़ा उन्हीं के जैसे सीख रही हूँ यार। तो अभी तो और सीखना बाकी, और लाइफ में आगे बढ़ना बाकी है ना मम्मा? हाँ, बहुत आगे जाओगे। इतना शर्माती है मम्मा? मम्मा मेरी मम्मा हो ना, इतना शर्माना। देखा एकदम सही टाइम पे आए हैं हम नीचे। देखो पापा आ रहे हैं ऊपर, ये तो सीसीटीवी में ही देख रहे हैं। पापा, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। कुछ नहीं। हाँ, अभी है ना तेरे लिए है एक बैड न्यूज। मेरे लिए बैड न्यूज क्या? हाँ, अभी तू मेरे को बैठने दे आराम से, पानी पीने दे, बाद में मैं तेको बताता बैड न्यूज क्या है। बैड न्यूज? ठीक है रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो पापा पानी, और अब बोलो बैड न्यूज क्या है। बताओ पापा क्या है बैड न्यूज? तेरा आईफोन है ना, उसकी स्क्रीन फूट गई। बताओ जल्दी आईफोन, बताओ, दिखाओ। मम्मी, ओ मम्मी देखो पापा ने आईफोन की स्क्रीन तोड़ी। अंदर से नहीं ये हुआ उसको, ऊपर का स्क्रीन ही उसका डैमेज है थोड़ा। आईफोन की स्क्रीन तोड़ी पापा ने। क्या, कैसे गिर गया? अरे वो गिर गया था, तुमने फोटो निकालने के लिए दिए थे ना, तो वो थोड़ा गिर गया हाथ में से, तो उसकी स्क्रीन थोड़ी डैमेज हो गई। ये डैमेज नहीं, बहुत अंदर की डैमेज नहीं हुई, अंदर की नहीं डैमेज हुई, वो बाहर से डैमेज। चालू करके देखो सब, क्यों दी थी पापा के पास तुमने ये फोटो? मैं क्या बच्चा है क्या कि क्यों दी थी? बोले तो उसने बोला कि मैं करके फोटो निकाल के लाओ इसमें, तो मैं ठीक होगा क्या? हाँ, वो अंदर की स्क्रीन डैमेज नहीं है, मेरे को ऐसे लग रहा। लग रहा पापा? हाँ, तू भी आ गए देखने के लिए? अभी तो नया ही है। देख पापा, ऐसे क्यों हुआ? बच्चे मेरा आईफोन। नहीं नहीं, वो यहाँ पे बस थोड़ा सा डाउट लग रहा, ऊपर के कॉर्नर पे थोड़ा सा डाउट लग रहा। ये ऊपर ये यहाँ पे गिरा था ना वो, तो यहाँ पे ना देख, छोटा सा पत्थर अटके वाला उसके अंदर। ये कैमरे के पास भी पूरा ही हो गया? नहीं नहीं, वो ऊपर की स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे शायद से ओरिजिनल स्क्रीन है ना, अंदर की थोड़ी सी डैमेज लग रही ऊपर कोपरे में, कोने में। कैमरा तो चालू करके देख कैसा है इसका, क्या है? पहले इसको ये कर, चार्जिंग लगा, बाद में करेंगे बस ठीक करेंगे। कुछ नहीं होता, नया लेके देंगे पापा। हाँ, मेरे बाप का नया लेके देंगे। अभी लिया था वो अभी लिया तो गिराया कैसे आपने? अरे गिर गया तो गिर गया, उसमें क्या कर सकते? गिर गया तो गिर गया, क्या कर सकते बोले तो? इससे कैसे गिर गए? बैटरी डाउन है, पहले चार्ज कर लो, बंद हो जाएंगे, चार्ज कर लो उसको। पापा देखो ना, ये इधर का साइड का कैसे धुंधला आ रहा है आपके साइड का। हाँ, तो कैमरे के ऊपर वो डैमेज हुआ, इधर ला, बता इधर ले, ये देखो। हाँ, तो ये उसका अपर साइड इसका थोड़ा सा डैमेज हुआ है ना, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो अगर अंदर उसको कैमरा कुछ लगाने होगा ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर उसको लगाऊंगा तो फिर समझो सामने का कैमरा ऐसा ही काम करेगा अभी। हाँ। नहीं नहीं, कल जाके अपन करवा लेंगे उसको, तो टेंशन मत ले। कल जाएंगे अपन उसको देखते हैं कल क्या होगा। कैमरा का ये फुट गया ना दीदी के, कैसे होगा फिर? जैसे ब्लर ब्लर दिख रहा है, देखो ना साइड का एकदम धुंधला धुंधला, जैसे मैं एमआई में शूट कर रही हूं। हाय, इतना मेरा कैमरा। अभी कुछ आना समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर का स्क्रीन गार्ड ही डैमेज हुआ है या फिर अंदर की स्क्रीन भी डैमेज हुई है। तो अभी तो मैं ऊपर का स्क्रीन गार्ड नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने निकाल लिया और अंदर कुछ क्रैक रहा और वो क्रैक बढ़ गया, तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ उसको। हम ना कल ही देखेंगे शॉप पे कि क्या हुआ है, तो इसीलिए अभी तो नहीं निकाल रही हूँ मैं। और आप सब लोग भी होप करो यार कि अंदर की स्क्रीन को कुछ ना हुआ हो और स्क्रीन गार्ड ही डैमेज हुआ हो, देखते। और आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।